आई थिंक इज जो काम है वो करते रहो, कीप वर्किंग हार्ड, जरूर रिजल्ट्स आएंगे और आई एम श्योर, क्योंकि कभी कभी यू डोंट नो कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो द ओनली थिंग यू कैन डू इज जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर मिस्टेक्स एंड और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब यू नो व्हाट यू नो व्हाट यू हैव टू डू ऑन कोर्ट और फाइनली एवरीथिंग जस्ट फॉल्स इन प्लेस एंड यू नेवर नो कभी एकदम सडनली यू गो एंड विन अ टूर्नामेंट, तो होता रहता है वो, आई ऑल्सो नो दैट, दैट्स वाई मैंने भी ब्रेक लिया है एबीसी से और ज़्यादा अहमियत ये टूर्नामेंट को दी है क्योंकि ये इंडिया में हो रहा है और टीम इवेंट है एंड आई वुड लाइक टू गिव माई बेस्ट टीम इवेंट के लिए और मैं चाहती हूँ अपने होम क्राउड के सामने अच्छा खेलूँ और जितने भी मैचेस हैं हमारे आई होप आई पुल आउट दोज मैचेस और फिटनेस वाइज आई एम फीलिंग बेटर, काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ, जस्ट दैट वो विंस चाहिए ऑफकोर्स, हर एक बार सब मुझसे पूछते हैं आप टूर्नामेंट क्यों नहीं जीत रहे हैं, तो आई थिंक ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमेशा जीतने से ही हो गया है, आई नो आई अंडरस्टैंड क्वार्टर सेमी को भी ऐसा लगता है कि मे बी आई एम नॉट प्लेइंग वेल, बट आई रियली मेक श्योर कि मैं और जीतूं और जल्दी अपनी फॉर्म वापस लाऊं एंड आई एम श्योर स्टार्टिंग इस टूर्नामेंट से ज़रूर अच्छा होगा और आने वाले टूर्नामेंट्स भी और अच्छे होंगे, अच्छे कॉम्पिटिशन देते हैं, हाई लेवल के प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, तो ऐसा कोई एक प्लेयर को मैंने अभी तक देखा नहीं जो कंटिन्यूसली टूर्नामेंट जीत रहा है, चाइना में भी कभी शिक्षण ईजुरी या हैंग हैंड उनका भी होते रहता है, तो इट्स नॉट ईजी, कोचिंग का बात नहीं है, आई थिंक फॉर्म आना इम्पॉर्टेंट है, कोचेज तो हमारे 100% दे ही रहे हैं सभी प्लेयर को, इट्स अबाउट के जो मेरा फॉर्म है वो वापस आना है, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिला मुझे लास्ट 1 ईयर से, काफ़ी जो चीज़ें हुई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई थी, जैसे मेरे को फ्रैक्चर हो गया था मेरे टो में, देन देयर वाज सम इश्यूज, हेल्थ इश्यूज थोड़े से हुए थे, मेरे को साइनस प्रॉब्लम हो गया था बीच में, तो काफ़ी चीज़ें होती जो यू नो यू कैंट स्टॉप इट, तो उसके बाद टाइम चाहिए होता है रिकवरी के लिए वापस आने के लिए, तो आई थिंक जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है बहुत अच्छा रहा, इंडिया ओपन मैं जीती, देन आई प्लेड क्वार्टर्स इन बोथ ऑल इंग्लैंड और स्विस ओपन एंड देन जस्ट दैट ऑब्वियसली फिर से यही बोलूंगी जीतना इंपॉर्टेंट है, मैं ट्राई करूंगी वो फॉर्म जल्दी लाने के लिए, नॉट ईजी मैं फिर बोल रही हूँ, लेकिन कोचिंग सिस्टम में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, फर्स्ट थिंग इज प्लेयर के ऊपर होता है कि वापस फिट बनना इंपॉर्टेंट है एंड फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, ऑब्वियसली आई एम वेरी हैप्पी कि दूसरे सब अच्छा खेल रहे हैं, ज्वाला अश्विनी प्लेड वेरी वेल इन एबीसी, सिंधु ऑल्सो गॉट अ मेडल, तो दिस शोज बैडमिंटन इज ग्रोइंग, बैडमिंटन ओवरऑल अच्छा कर रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि इस कंट्री में आई थिंक क्रिकेट को सब कुछ मिलता है, तो दूसरे भी अगर स्पोर्ट्स अच्छा कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड, मुझे भी उनसे इंस्पिरेशन मिलेगी, मैं भी नेक्स्ट टूर्नामेंट में आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट और मैं भी यही कोशिश करूंगी कि मैं भी जीत सकूँ। ज्वाला यही सवाल आपसे पूछूं तो अगर आपकी डबल्स की परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है अगर फॉरेन कोच को यू चाइनीज कोच है उसमें